हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। और पहला लेक्चर हमने मेटलर्जी के ऊपर प्रिपेयर किया था, उसके अंदर कुछ नहीं था कि केवल बेसिक टर्म्स थी जो मेटलर्जी के हैं, और उसके ऊपर आपसे आपको 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिल सकते हैं, सिंपल डेफिनेशन या फिर एग्जाम्पल। तो जिन स्टूडेंट्स की पहली वीडियो मिस हो गई होगी, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो वापस जाएँ और बेसिक टर्म्स को समझ लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो लोग पहली वीडियो कवर कर चुके हैं, उनके लिए हम लेके आए हैं कि मेटलर्जी के आखिर स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। तो उनको हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप हैं हमारे मेटलर्जी के। तो चलिए आइए समझते हैं। तो मेटलर्जी के हमारे जो पहला स्टेप होता है वो होता है क्रशिंग और ग्राइंडिंग। क्रशिंग और ग्राइंडिंग के अंदर क्या मतलब है? क्रश, क्रश मतलब आपको किसी चीज़ को क्रश करना, यानी कि उसको तोड़ देना। और ग्राइंडिंग मतलब आपने बड़ी बड़ी चट्टानें ली और उसको तोड़ दिया, क्रश कर दिया, बिग स्टोन और रॉक्स। और उसको ग्राइंडिंग मतलब जैसे चक्की में आटा पीसते हैं ना, ठीक इसी तरीके से बड़ी बड़ी ग्राइंडिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसके थ्रू आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपके जितने भी ओर्स हैं वो सॉलिड से किस में आ जाएंगे, आपकी पाउडर फॉर्म में आ जाएंगे, जो आपकी पाउडर फॉर्म है। लेकिन हमने पहले भी डिस्कस किया था, प्योर ओर तो आएंगे नहीं, कुछ इम्प्योरिटीज़ भी आएंगी, क्योंकि हमने अर्थ क्रस्ट से डिगिंग करके है ना, खोद के हमने ये सारे ओर्स निकाले हैं। तो अब रेस्पॉन्सिबिलिटी है रिसर्चर की या स्टूडेंट की या साइंटिस्ट की कि इन इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकाले, जैसे कि सैंड है, क्ले है, स्मॉल स्टोन है, तो इनको हमें रिमूव करना है। तो पहला स्टेप किसी भी मेटलर्जी का क्या होगा? क्रशिंग और ग्राइंडिंग। दूसरा स्टेप है रिमूव करने का, जिससे आप इम्प्योरिटी को रिमूव करते हैं, वो है कंसंट्रेशन, यानी ओर को कंसंट्रेट करना, अपने काम का सामान निकालना और जो अनवांटेड इम्प्योरिटी है जिसे हमने गैंजेस या मैट्रिक बोला था उसको रिमूव कर देना। तो कंसंट्रेशन कैसे करेंगे हम? कंसंट्रेशन अपने ओर को कंसंट्रेट करने के यानी इम्प्योरिटीज निकालने के, रिमूव करने के 2 तरीके हैं, जो कि है पहला है फिजिकल मेथड और दूसरा है आपका केमिकल मेथड। इसके अंदर भी सब मेथड हैं, उनको समझते हैं। ये सारे के सारे आपके मेथड्स हैं, ये देखिए। तो पहला मेथड है आपका फिजिकल मेथड, यानी कोई केमिकल आपको यूज़ नहीं करना है, केवल टेक्निक्स यूज़ करनी है। तो उसमें क्या है, पहला मेथड है हाइड्रोलिक वॉशिंग, जिसको ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं या डेंसिटी बेस्ड सेपरेशन भी बोलते हैं। दूसरा है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक कुछ कंपोनेंट आएगा इसके अंदर। तीसरा है आपका फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ माने कि आपके फोम, और फ्लोटेशन मतलब तैरना, अगर फोम ऊपर तैर रहा है और उसके थ्रू हम इम्प्योरिटीज को रिमूव कर रहे हैं तो वो आएगा फ्रोथ फ्लोटेशन से। केमिकल मेथड से हम क्या करेंगे, केमिकल मेथड के पास हमारे पास 2 हैं, एक है कैल्सिनेशन और दूसरा है आपका क्या, रोस्टिंग। दोनों के बीच में मैंने क्या लिखा है, डेल्टा, यानी क्या है, दोनों ही मेथड में हम क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं। जो भी हमें ओर मिला उसको हम हीट करेंगे, और हीट करने के लिए हम कौन सी फर्नेस यूज़ करेंगे, हम फर्नेस यूज़ करेंगे रिवर्बरेटरी फर्नेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कैल्सिनेशन और जो रोस्टिंग है वो कौन सी फर्नेस में होती है, रिवर्बरेटरी फर्नेस में होती है। एक और इंपॉर्टेंट टर्म मैंने यहाँ लिखी है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के अंदर, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती और इसके अंदर ऑक्सीजन होती है। यानी जो कैल्सिनेशन करेंगे, जो गर्म करेंगे ओर को, वो आप कैसे करेंगे, इन एब्सेंस ऑफ एयर, और रोस्टिंग करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर। कैसे याद रखें, याद रखने का तरीका है कि हम क्या खाते हैं, रोस्टेड चिकन खाते हैं। तो रोस्टेड जब चिकन खाते हैं तो क्या करते हैं, हम चिकन को कमरे में बंद करके तो रोस्ट नहीं करते, खुले में रोस्ट करते हैं, यानी कि वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई है ना, वहाँ पे एयर है। तो जब भी रोस्टिंग टर्म आए आपको समझ जाना है कि आपको हीटिंग करनी है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और कैल्सिनेशन इसका अपोजिट होगा, इन एब्सेंस ऑफ एयर। कभी कभी दूसरे तरीके से वो पूछ लेता है कि रिवर्बरेटरी फर्नेस का जो डोर है वो क्लोज होगा या ओपन होगा। तो ऑब्वियसली बात है, आपको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन कब आएगी, जब डोर खुला होगा या बंद होगा। जब डोर खुला होगा तो ज़्यादा हवा आएगी, ज़्यादा एयर होगी, ज़्यादा ऑक्सीजन होगी, इसका अपोजिट आपका यानी डोर यहाँ पे क्लोज होगा। तीसरा हमारा जो है स्टेप मेटलर्जी का, वो है आपका रिडक्शन, और ये क्या कहता है, इसके अंदर हम यूज़ करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करके हम क्या करेंगे,
मेटल को उसकी ऑक्साइड फॉर्म से रिड्यूस करके मेटलिक फॉर्म में ले आएंगे। तो दो तरह के आपके रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं, एक हो सकता है आपका कार्बन और दूसरा हो सकता है एल्यूमिनियम। ये हम बात कर रहे हैं किस केस में, अगर आप आयरन की मेटलर्जी पढ़ रहे हैं तो, यानी स्मेल्टिंग प्रोसेस है या फिर आपका क्या प्रोसेस है, एल्यूमिनियम वाला प्रोसेस। तो अगर स्मेल्टिंग है तो वो होगा ब्लास्ट फर्नेस में, और जो एल्यूमिनियम है वो होगा एल्यूमिनियम थर्मिक प्रोसेस में। तो ये क्या है ब्लास्ट फर्नेस, हम आगे समझेंगे क्या होती है, लेकिन फिलहाल आपको केवल चार स्टेप्स के बारे में बताना था, और चौथा स्टेप होता है रिफाइनिंग, जो कुछ भी बचा उसको फर्दर अल्ट्रा प्योर करना है, 99.99% प्योर करना। वो कर सकते हैं हम लिक्विशन से, इलेक्ट्रोलाइसिस से और डिस्टिलेशन से। लिक्विशन में क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा दो मेटल में जो इम्प्योरिटी है, इलेक्ट्रोलाइसिस में होगा दो इलेक्ट्रिक करंट से हम इम्प्योरिटी को बाहर निकालेंगे, डिस्टिलेशन में दो मेटल के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा, उस बेस पे हम मेटल को रिफाइन करेंगे। इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपका कोई कमेंट है तो आप सजेशन बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको कोई लैंग्वेज में सजेशन चाहिए यू कैन राइट ऑल्सो ऑन इन क्वेश्चन बॉक्स। तो इसी तरह की वीडियो के साथ, इसके नेक्स्ट डिटेल वर्जन के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय।